दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं धनंजय चौबे। इस समय जो हमारे पास खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का थाना काकोरी, काकोरी थाना क्षेत्र में 8 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद वहां की स्थानीय जो पुलिस थाना है वहां से इस मामले को के साथ लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। इस घटना के बाद से हुंकार मीडिया इस खबर की इनिशिएटिव लेता है, इस खबर को बड़ी बेबाकी से उठाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आज उस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ न्याय हो सका है। साथ ही आपको बता दें, शिवपाल सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम खान साहब, चेतना फाउंडेशन की चेतना पांडे, एसएसपी लखनऊ, भाजपा की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, मोहसिन रजा जैसे नेताओं का साथ मिलता है और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। जी हाँ, पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए दिए गए हैं, आवास देने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इसमें लापरवाह दिखे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ है इस पूरी कहानी में, कैसा हुआ यह घटना, क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं, आइए आपको दिखलाते हैं। आदाब दोस्तों, हुंकार मीडिया से मैं हूँ अरमान मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो पीड़ित की माँ है, हमारे साथ मौजूद है। बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में लखनऊ में काकोरी थाने के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, ये पूरी साजिश के तहत हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो एक रिपोर्ट, शर्मनाक रिपोर्ट हमारे सामने ये आ रही है कि उस एरिया के जो एसओ हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया और खुद लड़की को बच्चलन और इस तरीके के आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनको बुरा भला कहा, एफआईआर दर्ज नहीं किया। कई सियासत पार्टियां ने मिलकर जब दबाव बनाया तब जाके बड़ी मुश्किल से वहां एफआईआर दर्ज किया गया। पीड़ित है हमारे सामने, बातचीत करेंगे इनसे, खुद जानेंगे कि आखिर मामला क्या था और इस मामले की कितनी सच्चाई है ये हमें बताएंगे। मंडी के पास रहती हूँ, मेरी लड़की घर में अकेली थी और एक लड़का अनुज नाम का मोहल्ले का और नैना नाम की लड़की मेरे घर में दोनों घुस गए। घुस के जो है मेरे घर में जो है दोनों लड़कियों के साथ जो है गलत काम किया। दूसरी लड़की ने घर में मिट्टी का तेल रखा था, उसको ले जाके डाल के मंडी में ले जाके जो सुनैना आग लगा दी मेरी लड़की, मेरी लड़की जल के खाक हो गई। सब कहीं दौड़ गए, मेरा कोई ध्यान नहीं, ऐसो क्या गए, सब कहीं गए, गाली दे के भगा देते हैं, कहते हैं कि जो जाइए तुम नाटक कर रही हो, झूठ बोल रही हो, हमको न्याय चाहिए भैया। बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आपको न्याय मिलेगा लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जब आप एसओ के पास गई थी तो एसओ ने क्या कहा था? एसओ ने कहा था चैन पीन हो रही, तहकीकात हो रही है, हमने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, पैसे आपने खा लिए। अच्छा, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट ये खबर मिली है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक हमको नहीं दी गई है, 8 साल की बच्ची मेरी जो जल के खाक हो गई मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ अच्छा, आपकी बेटी ने आपसे कुछ कहा था उस हादसे के बाद, बातचीत हुई थी या मिली थी तो कुछ कहा? हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए थे, जो भर्ती करवाए थे पहले जो जिस दिन चली थी उस दिन जो थाने पे चौकी पे लेकर गए, चौकी वाले ने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। वहाँ जब गए तो दूसरे दिन जो उल्टा सीधा जो लेकिन तो पता नहीं क्या, हमको नहीं मालूम। 25 दिन तक मेरी लड़की जिंदा थी, पहली तारीख को शुक्र को जो खत्म हुई थी सुबह 5 बजे, हमको ना जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है ना सिविल अस्पताल से कुछ, कोई कागज वागज कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, एसओ ने आपको गाली गलौज के साथ थाने से धक्का दिया और क्या नाम है कि आपकी लड़की पे ही उनका बदचलन या इस तरीके का इल्जाम लगाया कि तुम्हारी लड़की बदचलन थी, मोहल्ला में पूछा मेरे कहने लगे कि जो है लड़की बदचलन होगी, लड़की की माँ बदचलन होगी, कोई जो बदचलन होगा, कोई 8 साल की बच्ची बदचलन होगी, मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। हम सब कहीं से दौड़ दौड़ के थक गए, हार गए, मुझको भी धमकी दी जा रही मारने के लिए कि जो है तुमको भी मार देंगे अगर कहीं जाओ।
अभी तो। अच्छा, आपको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है? हमको भी धमकी मिल रही है, डर डर के रह रहे इधर उधर, जो भागे भागे हुए हम। मेरा घर देख लिया, वहाँ जो नहीं पाओगे तुम, जैसे मेरी हालत। आप रोइए मत, बिल्कुल आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत शर्म की बात है कि आए दिन हिंदुस्तान में क्यों इस तरीके के काम होते जा रहे हैं। हर पीड़ित की माँ इसी तरीके से हर चैनल पर, हर जगह, हर आवास, मुख्यमंत्री आवास तक इन्होंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, और लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हमारे इनसे बातचीत की सारी चीज़ें बताएं, इनसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उल्टा आठ साल की लड़की को बच्चलन बताया जा रहा है एसओ के द्वारा। प्रशासन के इतनी शर्मनाक हो गई है कि बगैर छानबीन का। और सबसे बड़ा सवाल एक ये है, सवालिया निशान इस सरकार के लिए, कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन पीड़ित की महिला पीड़ित को देने का हक नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिला और बगैर छानबीन का कोई FIR मुकदमा। पहले तो सूचना के अनुसार ये पता चला कि 5 दिन तक, कई दिनों तक FIR दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जब कई सियासत पार्टियों ने मिलकर दबाव बनाया, तब FIR दर्ज किया गया। उसके बाद भी अभी नामजद मुकदमा दर्ज है। नामजद होने के बाद भी अभी तक मुजरिम का कोई अता पता नहीं है। मामला ये है कि एक लड़का, जिनका ये नाम बता रही हैं अनुज, और एक लड़की, जो दोनों मिलकर इनके घर में घुसे, और घर में जाने के बाद दोनों का अवैध संबंध था, दोनों मिलकर जो अपना मकसद था क्या था उसको पूरा करने के बाद ये उस लड़की पे अपना निशाना बनाए और उस लड़की को हवस का शिकार बना करके उस लड़की के साथ गलत किए। जब लड़की ने ये कहा कि ये सब मैं अपने माँ बाप को बताऊँगी, चिल्लाऊँगी, इस तरीके का जब लड़की ने अपने मुँह से अल्फाज निकाला, तो दोनों ने मिल के अपनी जान को या अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को दबाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला के, आज लड़की, यहाँ जहाँ तक इन्होंने अभी इनकी माँ से बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि लड़की 25 दिन तक या कुछ इस तरीके से लड़की जिंदा थी। उसके बाद अब वो लड़की, शर्म की बात है कि इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि अब तक मुजरिम सरेआम घूम रहे हैं, ना कार्रवाई हो रही है, ना कोई ठोस कोई इस पे एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, उल्टा उस लड़की के पीड़ित अगर कहीं जा रही हैं शिकायती पत्र लेके, कहीं जाके किसी से मदद की मांग कर रही हैं, तो उल्टा इनसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आदाब दोस्तों, मैं हूँ अरमान मलिक, हुंकार 24/7 से। जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हुंकार 24/7। आपकी हर खबर पर रहती है हमारी नजर, क्योंकि लखनऊ के गली गली में हैं हुंकार 24/7 के रिपोर्टर्स, जो हर खबर पे नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल हुंकार 24/7। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।